Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you in verse 21 to 30 in maths. बच्चों आज मैथ्स में मैं आपको इनवर्ट्स पढ़ाऊंगी 21 टू 30. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इनवर्ट्स 1 टू 20 पढ़ा चुकी हूँ. और बच्चों इनवर्ट्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि आपको इनवर्ट्स पढ़ने के लिए आपको स्पेलिंग के साथ याद होना चाहिए. आपके एग्ज़ाम्स में मान लो आपको 5 का इनवर्ट लिखना हो तो आपको 5 का स्पेलिंग आना चाहिए, FIVE 5. तो इसलिए आपको जो भी मैं इनवर्ट्स अब तक करा चुकी हूँ या फिर आज मैं जो करा रही हूँ उसको आप स्पेलिंग के साथ याद करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग इनवर्ट्स करेंगे 21 टू 30. तो सबसे पहले मैंने क्या राइट किया यहाँ पे, 21. अब 21 कैसे राइट करते हैं, 20 की स्पेलिंग तो आपको आती होगी. तो 20 पहले राइट करेंगे, टी डब्लू ई एन टी वाई. ये क्या हो गया, 21 है. तो पहले आप 20 की स्पेलिंग लिखेंगे. 20 की स्पेलिंग क्या होती है, टी डब्लू ई एन टी वाई, 20 ओ एन ई 21. तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करनी है कि स्पेलिंग राइट करनी है. पहले 21 जिस तरह से आप बोल रहे हैं इनवर्ड में क्या होता है उसी के स्पेलिंग को हमें राइट करनी होती है. तो 21 मैंने किस तरह से राइट किया, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 ओ एन ई 21. तो इस तरह से आपको स्पेलिंग भी याद करना है 20 का, फिर ओ एन ई 21. नेक्स्ट देखिए क्या है नंबर 22. 22 कैसे राइट करेंगे, सबसे पहले 22 बोल रहे हैं तो 20 पहले राइट करेंगे, टी डब्लू ई एन टी वाई 20. अब क्या बोल रहे हैं, 22, 20 तो मैंने राइट कर दिया, अब 2 की स्पेलिंग क्या होती है, टी डब्लू ओ 2 22. ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्या है, 23. जैसे बोल रहे हैं वैसे ही इनवर्ड में राइट करते हैं 23. तो 20 पहले राइट करेंगे, 20 का स्पेलिंग यहाँ पे आपको पता है, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20. और 3 कैसे लिखेंगे, टी एच आर डबल ई 3 23 कैसे राइट किया मैंने, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 टी एच आर डबल ई 3 23. नेक्स्ट नंबर है 24. अब 24 कैसे राइट करेंगे इन वर्ड में, आपको पहले 24 का 20 का स्पेलिंग लिखना है, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20. अब उसके बाद क्या राइट करेंगे, 20 के बाद क्या राइट करेंगे, 4 है तो 4 की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, एफ ओ यू आर 4 24. इस तरह से आपको लिखना है. ठीक है, ये बहुत इजी है, बस आपको स्पेलिंग को याद करना है. जिस तरह से नंबर बोलते हैं उसी तरह से नंबर को हम लोग राइट करते हैं इनवर्ट में. नेक्स्ट नंबर है 25. अब फिर से आप 25 बोल रहे हो ना, तो पहले 20 बोल रहे हो तो पहले 20 लिखेंगे, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 एफ आई वी ई 5 25. नेक्स्ट नंबर क्या है, अब देखिए 26 बोल रहे हैं तो 26 लिखेंगे, पहले 20 लिखेंगे, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 एस आई एक्स 6 26 25 26. नेक्स्ट नंबर है 27, क्या लिखेंगे, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 लिख लिए, आपको 1 टू 10 तो याद है, अब 7 लिखना है तो 7 की स्पेलिंग क्या होती है, एस ई वी ई एन क्या हो गया 27 टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 एस ई वी ई एन 7 27. आपको ये इनवर्ड्स जो मैं 21 टू 30 पढ़ा रही हूँ आपको स्पेलिंग के साथ याद करना है.
ठीक है बेटा, आपको याद रखना है, सिर्फ 27 बोल देने से नहीं होगा, आपको स्पेलिंग याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 28, अब 28 कैसे राइट करेंगे, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 और 8 ई आई जी एच टी 28, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 29, तो पहले 20 लिखेंगे, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोले 9, तो 9 की स्पेलिंग क्या होती है, एन आई एन ई 9 29। नेक्स्ट नंबर है 30, और 30 को कैसे, ये 29 के बाद क्या आता है 30 आता है, 30 को कैसे लिखते हैं, टी एच आई आर टी वाई, ये क्या हो गया 30। तो बेटा आपको इनवर्ड्स अभी तक मैंने 1 से लेके 30 तक पढ़ा चुकी हूँ, बेटा आपको पूरा स्पेलिंग के साथ याद करना है, आपके एग्ज़ाम्स में 1 से लेके 30 तक के बीच में कहीं से भी मैं पूछ सकती हूँ, इसलिए आपको स्पेलिंग के साथ याद करना है। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।